फड़े आलो ने फोन ने अरे छाते मरो ना मामा साथ में सुन ना खार बो खाली दुकान फैब्रिक सासु ने लो ऑफिस से कोई बात आ जा साथे पुनो लो ना सीधी पर भी संगे आगा अरे ओ जीते फोन को ठीक है पास को तो आ मरो आ मोनी कॉस्ट कर दे गम ने बिपोर दे बदन आओ आ छ सुन न लोगे तो ना नॉर्मली सुख दो काम जतो मनर ही मन नॉर्मली खाइने ने बगे नॉर्मली जे 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 लोग ने जे असुविधा तो मने नॉर्मल असुविधा मरा खाने असुविधा जत तो नहीं असुविधा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ फॉरेस्ट मिनिस्टर तक अनिमेश बाबू गौरव बार बार मीटिंग खाई जा भाई खेल में सब सब बेले बेले हम जो मीडिया रंग आं मे हरण खनाका जे चाम्पलाइनि जगह सम्प्राय पाराव सम्प्राय पाराव चार परिवार मे हर जी बलंग मायूम भाई नक सबाई जगह खनाका किन्तु बलंग मिया हर आम फैमिली हाइफनो आं लगे लगे जी डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार आं फोन खाइका एस डी एम नो फोन खाइका विडिओ नो फोन खाइका फैमिली पड़े दिन आं निजे आं फायका बरंग नायनानि बागै बरंगनि टंगनानि जानानि जत्त सेबाय खालामथाखा नखौ बरंगनि बेबस्था आं खायका ताबो आं निजे फायखायका दे बंनि जे नखौ जे फायमानि जत्त न बंनो रां पैसानि साज्य खायनाय बरंगनि जानानि रोंनो साज्य खायनाय दे पार्मानेन्ट सलिउसन खायनानि बागै चिनि डीएम एसडीएम फरेस्ट मिनिस्टर प्लस डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार बाय जो सालय बुटी खा पार्मानेंट सल्यूशन खाईमान जो मई दंग लेख लाख बीसदी जी रंग पैसा जतन जी जे प्रोजेक्ट सेंशन होना मनी बीसिंग जो सल्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन खाई दंग कारण ओ एरिया चाम्पलाय मंगिया कामी कृष्णपुर यंग उत्तर महारानी दक्षिण महारानी पूरा विलेज जी बलंग मायूम भाई अनेक जान माल खतिंगा बरक बो खतिंगा मन जो कासनानी बगे फरेस्ट डिपार्टमेंट बो या सही दंग जी प्रशासन बो या सही दंग जो सही दंग मन बहाई गई दिन सल्यूशन खाने बगे बेले बेले हम भाई जो समस्या है ये पूरा एरिया में बहुत दिनों से चल रहा है उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या लाइन डिपार्टमेंट हो उन्होंने बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करके जो कॉम्पेंसेशन का प्रोसीजर है वो भी बहुत अभी ईजी कर दिया है। पहले बहुत जॉइंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता था, अभी मैंने एसडीएफओ से बात करके फरवरी तक जितना भी क्लेम्स था वो सब एसडीएम ने सेटल किया है, मतलब उनको कॉम्पेंसेशन मिला है फरवरी तक। उसके बाद का जो है वो अभी जल्दी से हम जैसे एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा उसके ऊपर हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे। और हाथी का ये जो समस्या है उसके लिए हमने अभी कुछ एक महीने पहले मिनिस्टर साहब से भी, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर साहब से भी हमारा एक मीटिंग हुआ था सबका। तो उसमें हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे चार पांच लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें चम्पलाई है, चकमा घाट है, कृष्णपुर है, महारानीपुर है, लक्ष्मीपुर है। उसमें पाँच लोकेशन में हमने एक जो फील्ड कैंप है, जो स्टाफ हमारा अभी तो तिलियामुरा में रहता है वहाँ से यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अभी हमने पांच लोकेशन सिलेक्ट किया है। उसमें हम एंटी डिप्रेडेशन कैंप्स, मतलब जो फील्ड कैंप है वहाँ पे सेटअप करेंगे। उसमें परमानेंटली हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ भी रहेगा और कुछ विलेज वॉलंटियर जो हमने 40 अभी काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ पर रहने का, खाने का पीने का सब व्यवस्था वहाँ पे कर देंगे। तो वो वहीं पे रहेंगे, जैसे चम्पलाई है तो इसी लोकेशन पे वो पाँच छः स्टाफ यहाँ पे रहेगा। जैसे ही कुछ हाथी का इन्फॉर्मेशन होगा तो वो तुरंत उसको अंदर मतलब जंगल में भगा सकते हैं। और एक हर एक लोकेशन पे वॉच टावर बनाएंगे, तो वॉच टावर से ये होगा कि दूर वाला हाथी भी हमें पहले दिख सकता है, उसके हिसाब से उसको हमने मतलब जल्दी से जल्दी उसको जंगल में हम भेज सकते हैं। यही हमारा अभी जैसे बारिश खत्म हो जाएगा ये काम हम तुरंत यहाँ पे शुरू कर देंगे। इस इनिशियली हमने तीन लोकेशन पे काम शुरू करेंगे, जैसे चम्पलाई में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे करेंगे, उसके बाद चकमा घाट और एक लक्ष्मीपुर या महारानीपुर उस साइड में एक लोकेशन वहाँ पे काम शुरू करेंगे एक दो महीने में जैसे बारिश खत्म हो जाए। जीपीआरएस का जो ट्रैक का जो हुआ था जो काम करेंगे
वो कब तक हो जाएगा? एक का तो किया था, एक हाथी का किया था, एक हाथी का किया था, दूसरे का भी हमने मोती का ट्राई किया था 2 महीने पहले, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, हम वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। अभी फिर से हमने जो एक एजेंसी है, एनजीओ है, बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है, उनको हमने फिर से बोला है, लेकिन ये बारिश का मौसम है, इसमें हम कर नहीं सकते, क्योंकि हाथी बहुत बार जंगल में चला जाता है या उसको डार्टिंग करने के बाद वो जंगल में भाग जाता है, तो हमें वो जो कॉलर डालना है उसमें जीपीएस, तो वो मुश्किल बहुत होता है, तो बारिश के बाद ही वो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे उसको करने के। अभी कितना हाथी ये काम कर रहे हैं जो जंगल में? अभी तो जो जंगली हाथी है वो 18 से 20 जंगली हाथी है, 20 हाथी होगा उसमें। अभी क्या हो रहा है कि उसमें 3-4 ग्रुप बन गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसके कारण ही हमने वो 5 लोकेशन मतलब ये सिलेक्ट किया है, उसके कारण हमारा स्टाफ यहाँ पे रहेगा, तो हर एक लोकेशन पे हम उसको ड्यूटी मतलब अच्छे से कर सकते हैं।